कभी भोजपुरी की सुपरहिट हीरोइन रही श्वेता तिवारी इन दिनों खबरों में है। खबरों में वो इसलिए नहीं है कि वो खतरों के खिलाड़ी में पार्टिसिपेट करने गई हुई हैं, वो खबरों में इसलिए हैं क्योंकि आजकल उनका और उनके दूसरे पति अभिनव तिवारी का भाई बहुत ही ज़्यादा मामला बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इनके रिश्तों में अब कुछ नहीं बचा है। आज जिस तरह से अपने इंस्टा पर श्वेता तिवारी ने पोस्ट किया, उसे देखने के बाद ये लग रहा है कि श्वेता तिवारी पूरी तरह से मजबूर हो गई थी इस तरह का वीडियो अपलोड करने की। आपको बता दें कि पिछले 2 साल पहले ही श्वेता तिवारी और अभिनव के बीच की तलखियां शुरू हो चुकी थी। पिछले साल ही श्वेता तिवारी ने अभिनव कोहली पर आरोप लगाया था कि श्वेता तिवारी की बेटी पलक के साथ उनका बिहेवियर ठीक नहीं और वो बिहेवियर आपत्तिजनक है। इस वजह से श्वेता तिवारी ने इसके लिए FIR तक दर्ज करवा दी थी पुलिस स्टेशन में, और तब से श्वेता और उनके पति सेपरेट ही रहते हैं। लेकिन श्वेता के दूसरे पति के साथ उनका एक बेटा है और उसी बेटे के लिए श्वेता और उनके पति अभिनव कोहली में चल रही है लगातार घमासान। आपको बता दें कि अभिनव कोहली का कहना है कि श्वेता तिवारी उनके बेटे के साथ उन्हें मिलने नहीं देती, लेकिन जिस तरह का वीडियो अब श्वेता ने डाला है इंस्टा पर, उसे देखने के बाद ये लग रहा है कि अभिनव कोहली और श्वेता के बीच रिश्ते इतने ज़्यादा बिगड़ चुके थे कि उस बीच ये मासूम पिस रहा था, और माता पिता के इन झगड़ों के कारण बच्चा कितना सहम गया है इसका भी वीडियो श्वेता तिवारी ने अपने इंस्टा पर अपलोड किया है। आपको बता दें कि उस वीडियो में जो श्वेता और अभिनव के बीच छीना झपटी होती है बच्चे को लेकर, उस वीडियो में अभिनव तब तक श्वेता से उनका बच्चा छीनते हैं जब तक श्वेता उसे छोड़ नहीं देती। इन सब मैटर में श्वेता ज़मीन पर गिर जाती हैं और अभिनव लगातार अपने बेटे को उनसे खींच रहे होते हैं। ये सारा कुछ श्वेता तिवारी के बिल्डिंग के नीचे कैंपस में होता है और सभी ये सब कुछ देख के दंग रह जाते हैं कि श्वेता तिवारी एक बहुत बड़ी टीवी का जाना माना नाम है। भोजपुरी फिल्मों में भी इन्होंने कई शानदार फिल्में दी है, हिंदी फिल्मों में भी इन्होंने काम किया है, और इस तरह से जब श्वेता के साथ ये सब कुछ हो रहा है तो लोग तमाशबीन बने खड़े हैं। वैसे श्वेता ने ये वीडियो जब अपलोड किया तो इसके बाद उन्होंने बहुत ही लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा। उन्होंने कहा कि अब मैं चुप नहीं रहूँगी, मैं वो सब कुछ कहूँगी जो मुझे बहुत पहले कह देना चाहिए था, लेकिन अब ये कहकर मैं अपने आप को ये तसल्ली दे सकती हूँ कि मैंने भी सच लोगों के सामने रखा।